एक्सक्यूज मी। यस सर। ये कमरे में जो लेडी थी वो कहाँ गई? सर वो मैडम तो कब का यहाँ से चेकआउट करके चली गई है। थैंक यू। ओके सर। अच्छा है कि वो चली गई, मुझसे जितना ज्यादा दूर रहेगी उसके लिए उतना ही अच्छा है। तुम्हें पता है आज पूर्वी की आंखों में मैंने वो नफरत देखी जो 20 साल पहले देखता था। थैंक यू। सिली प्रॉब्लम? हाँ नहीं, अरे तो फिर इतना वॉक क्यों कर रहे हो? थक जाओगे। और तुम्हें पता है कल तुम्हारी, अरे तुम सुन नहीं रहे हो, कल तुम्हारी एंगेजमेंट है और तुम्हें तुम्हें थकना नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और तुम्हें टेंपल रन से भी ज्यादा भागना है। पता है तुम्हें, इधर से उधर जंप, उधर से उधर जंप, उधर से उधर जंप, सारे फ्रेंड्स और सब फैमिली वाले आ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर माय ब्रदर। तुम भी खुश हो ना? फैमिली से याद आया, अर्जुन सर को तो बुलाया नहीं, फोन करता हूँ। एक मिनट रुको ना, तुम भी बात करना। कौन है? नरेन। एक सेकंड। हाँ नरेन बोलो। अर्जुन सर हाउ आर यू? यार कमाल है, शादी मेरी हुई है, गायब आप हो गए। नहीं नरेन, वो ज्वेलरी कंपनी के साथ जो हमारी मीटिंग चल रही थी ना, उसकी मीटिंग के लिए मैं पंचकनी आया हुआ था, वापस मुंबई आ रहा हूँ। बोलो ना। ओह ग्रेट ग्रेट। अच्छा आपको एक गुड न्यूज देनी है, एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट किसकी? My little brother रौनक। Actually रौनक गेम हार गया ना, इसलिए। गेम? हाँ हमारे घर में 2 दिन से गेम चल रहा था। मैं और आना एक टीम में थे और रौनक अलग टीम में था। इसको मैंने पहले ही बोला था कि मैं जीतूंगा। एक्चुअली मुझे ना एक लड़की देखने आई थी और रौनक को उससे प्यार हो गया, यू नो लव एट फर्स्ट साइड। एक मिनट, तुमने 2-3 बार तो देखा होगा ना। एक्चुअली लव एट नॉट सो फर्स्ट साइड, लेकिन अब फाइनली रौनक की शादी हो रही है। इंटरेस्टिंग ना? मुझे फंसाकर खुद मजे ले रहा है पागल। नरेन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कह क्या रहे हो, मुझे सही से समझाओ प्लीज। अर्जुन सर आपको, अर्जुन अंकल कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ समझना नहीं है, आपको बस आ जाना है और मेरे लिटिल भाई को ब्लेसिंग्स देनी है, इसलिए प्लीज आप जल्दी आना। ओके नहीं नरेन, आई एम सॉरी लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं आ पाऊंगा। अरे क्यों, क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे फैमिली में स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा है और साथ ही साथ थोड़ा काम भी है। ओके ओके, नहीं नहीं फैमिली पहले, मैं भी सबसे पहले आना का ख्याल रखता हूँ, उसके बाद कोई फंक्शन मैरिज उसके बाद जाता हूँ, तो प्लीज फैमिली पहले। ओके डोंट वरी, अगर स्ट्रेस कम हो जाए तो प्लीज जरूर आना। आई एम वेरी हैप्पी फॉर माय ब्रदर एंड वो भी बहुत एक्साइटेड है। ओके बाय। ओके बाय। मैं नरेन की फैमिली से बहुत क्लोज हूँ, अभी इस फंक्शन में मुझे होना चाहिए। अर्जुन लेकिन इस वक्त हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है, तुम्हें सबसे पहले मुंबई जाके डॉक्टर से मिलना है। रुशाली आता है। एंगेजमेंट की सारी तैयारियां हो गई? सब हो गया है, यू डोंट हैव टू वरी। हाउ कैन आई नॉट वरी रुशाली, जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी तो चिंता करना तो बनता है ना। अच्छा मुझे ये बता, रौनक तुम्हारा ही बेटा है ना? Of course, मेरा ही बेटा था। What do you mean? I mean, रौनक की एंगेजमेंट है और तुम जरा अपने आप को देखो, तुम्हारे चेहरे पर जरा से भी खुशी नहीं है। नहीं मैं खुश हूँ ताई, really. एक काम करो, थोड़ी सी खुशी चेहरे पर भी ले आओ, a little smile, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा नई बहू का मान रखने के लिए उसे कोई गहना देना होगा, क्या सोचा है तुमने? हाँ मैंने कुछ निकाला है। ये मैं लेके आई। अतु मामा, अब मेरे को ना थोड़े इनविटेशन कार्ड चाहिए रौनक की एंगेजमेंट के। तुम्हें इनविटेशन कार्ड्स क्यों चाहिए? बहुत सारे लोग हैं, मैंने लिस्ट बनाई हुई थी एक्चुअली, लिस्ट तो बनाई थी लेकिन पता नहीं कहाँ रही थी। वो अच्छी तरह याद है जो जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो है प्रणव, प्रशांत, मानसी, सोनू और चीनी चोर पड़ोसी, उनके लिए तो चाहिए, बाकी मैं आपको बता दूंगा। ये सब कौन है? अरे ये सब आहना की फैमिली है। नरेन ये
हमारे घर का फंक्शन है ना, इस फंक्शन में इन सब लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो जरूरत है, आप मेरी फैमिली हो और मैं आपकी फैमिली हूँ, है ना। वैसे ये आहना की फैमिली है, और आपने अभी तो कहा घर का फंक्शन है, और घर के फंक्शन में घर के लोग नहीं होंगे तो कैसा लगेगा। और आपको पता है ये सब लोग बहुत मजे वाले लोग हैं, मैं इनके साथ एक बार चौल में रहने गया था। आपको पता है मैंने क्या क्या किया, मैं जमीन पे सोया, फिर मैंने कॉमन नलके से पानी भरा और पतंग उड़ाई और प्रशांत का एक सम सॉल्व किया और वो चीनी चोर पड़ोसी भी पकड़ा। तुम्हें याद है कैसे लौकी से मारा था। तुम चौल में रहने गए थे? या तू तो सुपर फन। एक्चुअली आपको भी चलना चाहिए, साथ में चलेंगे, बहुत मजा आएगा। नरेन एक मिनट सांस तो ले लो, भाई सब बातें बाद में कर लेंगे ना हम, अभी तुम्हें इनविटेशन कार्ड देने जाना है। चलो शाम को एंगेजमेंट है, उससे पहले देकर वापस भी तो आना है तुम्हें, चलो जाओ। ठीक है श्योर। कार्ड? इनविटेशन कार्ड बाहर है। चलो अच्छा था ये सेट है, ये तीन सेट मैंने सोचा कि मैं किन्नरी को दे दूंगी। और ये अंकिता के लिए। ये इतना महंगा सेट तुम अंकिता को क्यों देना चाहती हो? ये किन्नरी को ही दे देना। यू डोंट अंडरस्टैंड रोशाली, अंकिता गरीब घर की लड़की है, उसे कोई भी सिंपल सा मोती वोती का, ये बहुत सिंपल है ना, ये उसे दे देना। ठीक है, गिव दिस टू अंकिता, शी विल बी हैप्पी। फ्रैंकली तुम उसे कंकड़ भी दोगी ना तो हीरे समझकर पहन लेगी। ओके कहीं नहीं अभी तक। एक मिनट रुको, ये तुम्हें शाम को पहनना है। सुन भाई, ध्यान रहे, तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं तो ढंग के कपड़े पहनकर आए, ये फंक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से हमारा रेपुटेशन। थैंक यू अतुल, थैंक यू। चलो आओ ना। सब आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? सरप्राइज। सब क्या सरप्राइज है? अरे सरप्राइज पहले बताते थोड़ी ना है, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है। मैंने कहा ना तुम पे मेरा असर हो रहा है, तुम थोड़ी थोड़ी पागल हो रही हो, मान जाओ हो रही हो ना। मैं आई हेल्प यू सर। हाँ मुझे गहने देखने, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे। कौन सी रेंज में दिखाऊं सर? रेंज मतलब? जी मेरा मतलब आपके बजट से है। हाँ देखिए जब किसी को प्यार में तोहफा देते हैं तो बजट नहीं देखते, बस वो अच्छे होने चाहिए, आपके शॉप के बेस्ट गहने। जी आइए सर। आना। इसकी क्या जरूरत है सर? सर मुझे नहीं चाहिए, आपको तो पता है सर मुझे नहीं चाहिए, मैं गहने नहीं पहनती। मैंने कहा ना ये मेरा सरप्राइज गिफ्ट है, तुम कैसे मना कर सकती हो? प्लीज दिखाइए, शो मी एवरीथिंग। नरेन सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। और उसमें था वो वाला अच्छा लग रहा है। नरेन सर मुझे नहीं चाहिए, मैं सच कह रही हूँ। ये कोई ये वाला कैसा है? Not so good. Okay, then, नरेन सर मुझे सच्ची नहीं चाहिए, प्लीज हम रौनक के लिए लेते हैं। अब देखो एक मिनट, रौनक और किन्नरी के लिए हम खरीद लेंगे बाद में, लेकिन अभी मेरा सरप्राइज गिफ्ट तुम्हारे लिए ये लो, दिस इज नाइस। देखो
ये अंगूठी तो बहुत ज्यादा ही महंगी है। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? नहीं, इतनी अच्छी नहीं। हाँ, मुझे भी कोई खास नहीं लगी थी वो। आप प्लीज कुछ अच्छा दिखाइए ना, जो अच्छा लगे हाना को। सब कुछ पैक करा के बाहर गाड़ी में रखवा दीजिए और गेट अ बिल मेड। जी सर, सब पेमेंट कैश और कार्ड? एक्चुअली चार्ज मी ऑन दिस, ब्लू इज माय फेवरेट कलर। सर एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ 5 लाख से ज्यादा की खरीदारी पर हमें पर्सनल डिटेल्स चाहिए होती है। हाँ तो लीजिए, नरेन करमरकर, करमरकर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का MD, AK टेलीकॉम का मैं MD हूँ। हमारी नंबर वन कंपनी है पूरे इंडिया में और बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड में। 39,000 करोड़ का टर्नओवर है और 85% शेयर्स ग्रोथ और पूरे साल में 3 साल से 100% प्रॉफिट मार्जिन, एक्चुअली 135%, मतलब मैं हर 1 रुपए पे 1 रुपए 35 पैसे कमाता हूँ। नरेन करमरकर, नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना? अभी तो बोला आपको मैंने, नरेन करमरकर। ओके, ये देखिए मेरी कंपनी की साइट फोटो के साथ, आर यू हैप्पी? यस सर, थैंक यू। ये 3, 5 का हजार। आना रिया का सा, ये जब पता मेरे को अपने घर से जाना पड़ता है। मैं 2 कार्ड पता क्यों लाया, वो तुम्हारे पड़ोसी को भी दे देंगे, एक्चुअली वो तो अंदर ही मिलेंगे, देखना आजा। आप अपने चारा क्यों छुपा रहे हो पापा? अरे बाबा मत बोल, पड़ोसी काका बोल हमरे को, पड़ोसी काका। काका? अरे हम भी मात तुम्हें सबको समझाएगा, अच्छा अपने ताई दादा बोल जीजू आए तो ले पाक। एक मिनट, चीनी चोर पड़ोसी फिर आ गए, चुरा ली चीनी? नहीं नहीं नहीं, प्यार से लेने आए थे, मिली नहीं। कैसे ना? मैं ठीक हूँ, आना ठीक हो? मैंने कहा था ना आना, घर में और कोई हो ना हो, ये चीनी चोर पड़ोसी जरूर मिलेगी, इसीलिए 2 कार्ड लिए थे। चलो आपको गुड न्यूज देता हूँ, ये बात गुड न्यूज है, मेरे छोटे भाई की शादी है, एक्चुअली एंगेजमेंट का कार्ड है, आपको पक्का आना है, लेकिन चीनी मत चुराना मत। ओके, नरेंद्र सर को अभी भी लगता है कि ये मेरे बाबा नहीं है, मेरे पड़ोसी है, पता नहीं ये नाटक कब तक करना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, आएंगे ना, जरूर आएंगे, अब तो ये कार्ड भी है हमारे पास, और ऐसा भी जहाँ मुफ्त की दारू और खाना होती है हम तो फटफट वैसे ही आ जाते हैं, है ना? वेरी गुड, ठीक है चलते हैं। व्हाट्सअप, कैसे हो दोनों? चलो खुशी करो। ओ वेरी गुड, ये लो मेरे भाई की एंगेजमेंट है। ठीक हूँ बेटा। ओवी, मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ ठीक है। आप अर्जुन, तुम्हारे लिए चाय बनवा दो। हाँ बनवा दो। काकी एक चाय बना दीजिए। ठीक है। इस
समधियों को देने वाले सारे गिफ्ट्स आ गए हैं। यू नो हाउ पर्टिकुलर आई एम अबाउट दीस थिंग्स। नहीं ताई, सब गिफ्ट्स आपके टेस्ट के हिसाब से ही आए। मेरा और शीरीष की तरफ से, आपकी तरफ से और नरेन अंकिता की तरफ से आपके टेस्ट के हिसाब से आए हैं। अच्छा, वो अंकिता के घर वाले आएंगे, वो क्या गिफ्ट देंगे? वो तो कोई गिफ्ट नहीं दे पाएंगे ताई, उनकी तो हैसियत ही नहीं है। गिफ्ट देना तो दूर, वो तो खुद के लिए अपने कपड़े भी नहीं खरीद पाएंगे। फंक्शन में जो कपड़े पहन के आएंगे वो भी हम ही ने भिजवाए हैं। नाइस, देखा गरीब घर की लड़की से अपने बेटे की शादी करने का क्या नतीजा होता है। सर, सुनंदा मैडम ने आपके लिए ये शेरवानी भेजी है। मेरा ना दिमाग पहले से ही खराब है, और खराब मत करो तुम। गो, कीप इट इन माय रूम। ये शादी नहीं, बर्बादी है, बर्बादी। हतु ने अगर सारी प्रॉपर्टी नरेन के नाम करने की धमकी ना दी होती ना, तो मैं शादी के लिए कभी कभी भी हाँ नहीं करता। लिटिल ब्रो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी शादी हो रही है। और गुस्से में तुम एक्चुअली बहुत फनी लगते हो। गुस्से में मत रहा करो, योर स्टाइल, चिल आउट, प्लीज रिलैक्स, ओके? और तुम्हें और भी खुश होना चाहिए, तुम्हारी जो वाइफ है बहुत सारे गिफ्ट लेके आ रही है, मैंने सुना है। यस ऑफ कोर्स, शी इज सो रिच यू नो। तुम्हारी वाइफ तो कुछ भी नहीं लेके आई थी ना, क्योंकि वो गरीब है। अनलाइक माई वाइफ, शी इज सो रिच, इसीलिए तो वो गिफ्ट ला रही है। तभी कहते हैं भाई कि शादी जो है ना, अपने बराबरी वालों में करनी चाहिए। मतलब माई वेनी इज रिच, योर वेनी इज पुअर। एग्जैक्टली, योर वहिनी इज वेरी रिच, सुपर रिच, यू नो, गेट इट? मतलब हाना गरीब है लेकिन वो दिल की बात अमीर है। इसे क्या पता, बच्चा है। अर्जुन किरलोस्कर घर यही है? यस। बुलाइए उनको, मेरे पास अरेस्ट वारंट है उनका खिलाफ। अरेस्ट वारंट? क्या कह रहे हैं आप? बुलाइए उनको, फिर बताते हैं। अर्जुन, देखो ना ये क्या कह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर अर्जुन किरलोस्कर जी, मैं ही हूँ। आपके खिलाफ मेरे पास अरेस्ट वारंट है। व्हाट? सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर मिस्टर चड्डा ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है। कैसी कंप्लेंट? पार्टी में आप ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। उनके कहने पर आपने उनके ऊपर हाथ उठाया। व्हाट रबिश, कैसी बातें कर रहे सर? आप जानते हैं ना मैं कौन हूं। इंस्पेक्टर, वो चड्डा झूठ बोल रहा है। अर्जुन कभी किसी को ड्रग्स नहीं सप्लाई कर सकता। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, इसका फैसला अभी हो जाएगा। आप जानते भी क्या इस बारे में, ये कितनी बेहुदा की। मिस्टर अर्जुन किरलोस्कर, मेरे पास आपके घर का सर्च वारंट है, आप देखना चाहेंगे? चेक करो हर जगह, देखो। ये मेरा नहीं है सर, ये अरेस्ट करो। ये मेरे बैग में किसी ने रख दिया होगा, लेकिन ये मेरा नहीं है, मैं ये सब नहीं कर रहा सर। हाँ, ये इंस्पेक्टर, ये अर्जुन नहीं कर सकता, ये चड्डा का काम है। सर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ये दलीलें आप कोर्ट में दीजिएगा। कंप्लेंट भी है, सबूत भी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए, मैं क्यों करूंगा, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं ये सब क्यों करूंगा? वो आदमी को आप जानते नहीं है, मुझे प्लीज मेरी बात सुनिए। अच्छी तरह से जानते हैं कि ड्रग्स सप्लाई करना बहुत बड़ा गुनाह है।
अर्जुन आज आखिरी बार तुम्हारे घर आई, तुम्हें और तुम्हारी खुशियां देखकर चली जाऊंगी और दुआ करूंगी कि ये खुशियां इसी तरह बनी रहे। एक सेकंड मेरी बात सुनिए तो सही, मैं क्या कह रहा हूं यार। मैम, अर्जुन सर को ड्रग सप्लाई के केस में अंदर लेके गए हैं। किसी चड्डा नाम के आदमी ने कंप्लेन की है।